गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपके 10th क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है, बच्चों वर्कशीट नंबर 78, जिसकी डेट 30 जनवरी 2021 रहेगी। और इस वर्कशीट में बच्चों हम एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का ये आपका एक्सट्रैक्ट जो है आपके चैप्टर वल्ली राइड्स द बस से लिया गया है। हमने लास्ट वर्कशीट में भी वल्ली के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि वल्ली वॉज ए वेरी लिटिल गर्ल हु वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो टू बस, जो कि बस में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। एंड सी ऑलवेज हियर्स हर नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को सुनती रहती है जो कि उस बस में क्या सवारी कर कर आते हैं। तो बस के बारे में जानने की उत्सुकता उसके अंदर बहुत होती है, और वो बस में पहले कभी नहीं बैठी। उसकी गली से एक बस डेली जाती है आती है, तो वह उसी बस को ऑब्ज़र्व किया करती थी। तो उसी बस में राइड करने के लिए वो अपना कुछ सेविंग भी करती है, पैसे बचा कर रखती है, और अपनी मदर को बिना बताए वो क्या करती है, बस में जाती है और सेम उसी बस में से वापस आती है। मतलब जब उसकी डेस्टिनेशन जहाँ तक बस जाती है, वहाँ तक बस जाने के बाद वो बस से नीचे नहीं उतरती, वो बस में ही बैठी रहती है और सेम उसी बस से वापस अपने घर आ जाती है। वो इतनी एक्साइटेड होती है बस में बैठने के लिए कि वो बस से नीचे भी नहीं उतरती। हालांकि जो कंडक्टर है वो भी उसको कहता है कि नीचे उतर जाओ, कुछ देख लो, लेकिन नहीं, वो बस में ही बैठी रहती है। तो कंडक्टर भी बहुत ही जॉली नेचर का होता है। इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें तो नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और वो वल्ली को हमेशा मैडम कह के बुलाता था। तो इसी तरह से बच्चों देखिए बताया गया है, चलिए अब एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ समरी बता दी है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोइंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि जब वो बस में बैठ जाती है कि कहीं ये बस दूसरे व्हीकल से न टकरा जाए, है ना, या फिर जो यात्री पैदल चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, या फिर जो यात्री पैदल चल रहे हैं कहीं बस उससे न टकरा जाए जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं पैदल यात्री। तो उसके मन में इसी तरह से वो सोचती रहती है। और उसका गॉबलिंग का मतलब होता है बच्चों जी मचलना, और उसका जी मचलता रहता है, मतलब घबराहट सी होती है उसको कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बस किसी दूसरे व्हीकल से या किसी पैदल चल रहे यात्री से टकरा जाए। बट आगे देखते हैं, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब कुछ स्मूथली चलता रहता है, उसकी बस जो है स्मूथली आगे बढ़ती रहती है। लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बच्चों रुकावट, और सारी रुकावटों को पीछे छोड़ देती है जो भी उसके रास्ते में आती हैं बस के, और आगे स्मूथली धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड दैम, और ट्री ऐसा लगता है उसको जैसे कि ट्री है ना उसके, इसका पीछा करते करते उसके साथ चल रही हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड दैम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, और जब वो रुक जाती है तो जो पेड़ होते हैं वो भी रुक जाते हैं और हेल्पलेस से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो ट्री भी है उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों आपको मैं बताती हूँ कि जब आपने कभी बस में बैठे होंगे तो आप देखते हैं कि किस तरह से जो साइड में ट्री होते हैं या सन होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहे हैं, है ना, और जैसे ही बस रुकती है तो हमें लगता है कि वो भी रुक गए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, अचानक वल्ली अपने हाथों से तालियां बजाती है। ए यंग काओ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, एक गाय होती है जिसकी पूंछ हवा में उड़ती रहती है और वो बहुत तेजी से भागती हुई राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, उसकी बस के आगे सड़क के बीचों बीच भागती रहती है गाय। जब वो बस में बैठी हुई होती है वल्ली, तो एक गाय ऐसी जिसकी पूंछ हवा में लहरती रहती है और वो बस के आगे से गुजरती है। द बस स्लोड स्लोड टू ए क्राउल
एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। तो बस जो धीरे धीरे चलती रहती है, क्रॉल का मतलब वही होता है जिस तरह से बच्चे रेंगते हैं, बस धीरे धीरे चलती है और ड्राइवर जो है वो बार बार हॉर्न की आवाज़ को बजाता है, बार बार हॉर्न की आवाज़ करता है ताकि वो जो गाय है वो उसके रास्ते से हट जाए। तो बच्चों इस तरह से आपने पैसेज को समझ लिया होगा, आगे का हम आगे की वर्कशीट में डिटेल करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेट द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। देखो बच्चों, सिमली मेटाफर, इसमें हम किसी की कंपैरिजन करते हैं, इसमें तो लाइक और एज यूज़ करते हैं, सिमली में तो ये नहीं है, मेटाफर भी नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर बैठेगा बच्चों हमारा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ट्रीज केम पेड़ों को आता हुआ दिखाया गया है, अर्थात एक निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के रूप में जहाँ पर चित्रित किया जाता है वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस बात को आप याद रखना, जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं कि क्या कह देते हैं कि सी वीप, है ना, समुद्र रोता है ना, तो इस तरह से समुद्र कभी रोता नहीं है तो, और ट्री कभी चलते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, तो ये निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में दिखाया जाता है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। और एलिट्रेशन बच्चों वहाँ पर होता है जहाँ पर हम किसी लेटर की बार बार रिपीटेशन करते हैं, ओके। जैसे कि हम बार बार रिपीटेशन करते हैं टी शब्द की ही बार बार करते हैं, ट्रीज टू, है ना, थैंक, इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है, पर्सोनिफिकेशन आएगा। Choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract. जो सही नहीं है उसको हमें बताना है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए देख लेते हैं। द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स बिहाइंड। बिल्कुल सही है, ये तो हमने देखा ही है कि सारी रुकावटों को पीछा छोड़ती हुई बस स्मूथली आगे बढ़ रही है ना, तो ये तो राइट आएगा इसमें। उसके बाद द ड्राइवर हॉन्क्ड, द ड्राइवर honked at the cow when she obstructed its way. ड्राइवर हॉर्न बजाता है, ये भी बिल्कुल सही है। वली वॉज accompanied by her mother during the journey. क्या वली अपनी माँ के साथ जनरी पर जाती है? नो, ये नहीं है बच्चों। द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली। बस जो है गाय को टक्कर मारती है और तेज़ी से आगे चली जाती है? नहीं, ऐसा तो हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा ही नहीं है, बल्कि बस तो जब जाती है तब उसकी आगे से गाय गुजरती है और जब वापस बस आती है यात्रियों को छोड़कर तो देखती क्या है कि गाय जो है वो मरी हुई है, तो बस ने तो उसको हिट नहीं किया। वली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। वली डिस्टर्ब हो जाती है गाय को देखकर अपनी बस के आगे, नहीं डिस्टर्ब नहीं होती बल्कि वो तो क्या होती है, बहुत ही एक्साइटेड होती है। द बस मूव्ड स्लोली व्हेन द काउ केम राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। बस धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है जब गाय उसकी बस के आगे आती है, हाँ ये भी ठीक है। द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स इट एज इट मूव्ड स्मूथली। बस जो है वो क्या करती है, जैसे ही कोई दूसरा व्हीकल आता है लेकिन वो फिर उसके बराबर में से जाता है तो वो स्मूथली आगे बढ़ती चली जाती है, ये भी सही है, क्योंकि बस तो स्मूथली आगे बढ़ रही है, चाहे कोई भी अनदर व्हीकल आए या कोई भी रुकावटें आए, ऐसा कुछ नहीं है कि बस रुक गई है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस बच्चों गलत है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आप इसका सी ऑप्शन लगाओगे क्योंकि ये तीनों सेंटेंस हमारे एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गलत हैं, तो इसका आंसर सी सही रहेगा। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। चलिए पहले हम अपने सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि हमारे चार सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन ओ ओ ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। जो हमारा फैक्ट है उसके लिए हमें एफ चूज़ करना है और जो हमारी ओपिनियन रहेगी उसके लिए हमें ओ चूज़ करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, आई थिंक वली वॉज क्वाइट इनसेंसिटिव एज शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली वाइल द हेल्पलेस काउ रन राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। ये तो बच्चों हमारा फैक्ट है जो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वल्ली अपने हाथों से क्लैपिंग करने लगती है जब वो देखती है कि एक गाय उसकी बस के आगे से जा रही है, तो ये फैक्ट हो गया। ओ नो, वली वो जस्ट एक कीन ऑब्जर्वर एंड ए फेयरली कॉन्फिडेंट चाइल्ड हु प्लान्ड इट जनरली ऑल बाई हर सेल्फ।
वल्ली एक कीन ऑब्जर्वर है और एक फेयरली का मतलब होता है काफ़ी कॉन्फिडेंट बच्चा भी है जो प्लान करता है अपनी यात्रा के बारे में। तो ये भी बच्चों हमारा फैक्ट ही है क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से वो बहुत ही एक्साइटेड रहती है किसके लिए, अपनी फर्स्ट जनवरी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। सी वॉज़ ए वेरी कीन ऑब्जर्वर, तो ये भी हमारा फैक्ट रहेगा। थर्ड देखते हैं, इवन आई फील इट वॉज ए शेयर इनोसेंस ऑन द पार्ट ऑफ वर्ली विच मेड हर हैप्पी ऑन विटनेसिंग ए रनिंग काउ। आई फील है बच्चों, तो इसमें ओपिनियन आएगा। नेवर द लैस वली वॉज हैप्पी एंड फील्ड विद एक्साइटमेंट वाइल शी विटनेस द, ये भी बच्चों हमारा ओपिनियन रहेगा। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस हमारे फैक्ट रहेंगे और सी ओ डी हमारा ओपिनियन रहेगा। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, इसमें फैक्ट ए और बी हैं और ओपिनियन रहेगी हमारी, सॉरी इसमें हमारा आंसर आपका बी रहेगा, जिसमें फैक्ट ए और बी हैं और ओपिनियन हमारी सी और डी हैं। तो ये हमारा बी आंसर, बी इज़ करेक्ट, बी हमारा सही आंसर रहेगा जो मैंने आप लोगों को समझाया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्या है। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस जर्नी, अपनी फर्स्ट बस यात्रा के लिए उसने क्या से वो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि वली प्लान हर बस राइड बाय लिसनिंग केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल। वली प्लान करती है राइड करने का, जो वो बहुत ध्यान से सुनती है बातचीत को जो उसके पड़ोसी और लोग करते रहते हैं ना, वो उनको सुनती रहती है अपने आसपास के लोगों से कि हु रेगुलरली यूज द बस, बट शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देम। लेकिन जो हमेशा बस का यूज़ करते रहते थे लोग, उनसे वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती रहती थी और उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा करती थी कि सी फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, कि उसने फिर ये पाया, उसने उसे पता चला कि जो ये टाउन है वो उसके गांव से 6 miles दूर था और 6 miles की उसको यात्रा करनी थी, बस से जाना था। द बस फेयर वॉज 30 paise फॉर वन वे, और बस का किराया, फेयर का मतलब किराया जो था 30 paise था एक तरफ का, एंड द बस ट्रिप टुक 45 minutes, और उसको 6 miles का जो सफ़र था उसको तय करने में कितना समय लगना था, 45 minutes का। सी ऑल्सो थॉट दैट इफ शी स्टेड इन द बस एंड केम बैक बाय द सेम, उसने सोचा कि यदि वह बस में ही रुकी रहे और वापस फिर उसी बस से वापस आए तो इट विल कॉस्ट हर 60 paise, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, उसको 60 paise पे करना पड़ेगा। सी सेव द फेयर बाय कंट्रोलिंग हर सेल्फ फ्रॉम बाइंग टॉयज पेपरमिंट एक्सेट्रा, तो इस तरह से उसने वहाँ पर जाने के लिए बस से यात्रा करने के लिए उसने अपनी सेविंग की, उसने टॉय नहीं खरीदे, तो इस तरह से उसने अपने आप के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया और 60 paise उसने इकट्ठे करके बस से फिर अपनी ट्रिप की। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते थ्री देखते हैं, नेवर माइंड सी सैड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ यू डोंट हैव टू हेल्प मी सैड वली टू द कंडक्टर। वली इज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड डिस्प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाइल सी ट्रेवल्स अलोन इन द बस टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर करेक्टर राइट हाउ करेज गर्ल ग्रिट डिटर्मिनेशन हेल्प्स वन टू अचीव वंस ड्रीम। तो बच्चों इसमें मैंने इसका आंसर आपका ये लिखा है, ये 100 to 120 words का आपको लिखना है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी आंसर आपका बैठेगा। देखिए वली, वली का पूरा नाम क्या था, वलिया मई, ठीक है। इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट थी, सेंसिटिव थी, क्लेवर भी थी एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग फास्ट फॉरवर्ड एंड कोरिजियस गर्ल थी वली। सी इज़ ओनली 8 years old, वह केवल 8 साल की थी बट लुक्स मोर मैच्योर देन हर एज, लेकिन अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर बड़ी दिखाई देती थी क्योंकि वो समझदारी की बातें किया करती थी। सी हैज़ क्यूरियोसिटी अबाउट थिंग्स, चीज़ों को जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होती थी। ड्यू टू दिस क्यूरियोसिटी सी स्टार्ट्स ट्रैवलिंग अलोन बाय बस, और इसी क्यूरियोसिटी के कारण उसने बस में यात्रा करना, अकेले यात्रा करने का डिसीजन भी लिया था। सी हैज़ ए पैशन टू हैज ए पैशन टू फुलफिल हर डिज़ायर, उसके अंदर इतनी भावना थी, पैशन था कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके।
सो सी सेव्स मनी बाय रिड्यूसिंग हर डेली एक्सपेंस टू रेज द बस फेयर. इसलिए उसने अपना पैसा बचाया, जो उसे डेली पैसा मिलता था उसको कम करके उसने बस में जाने के लिए, बस का किराया देने के लिए पैसा बचा लिया था. इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर एन 8-year-old गर्ल. यह कोई आसान बात नहीं थी 8 साल की एक छोटी बच्ची के लिए कि टू कंट्रोल हिज स्मॉल डिज़ायर टू ईट एंड ड्रिंक, कि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी खाने और पीने की वो कंट्रोल कर लिया था उसने. क्यों? क्योंकि उसे तो बस में जाना था, उसके लिए उसको किराया बचाना था, इसलिए वो खाने और पीने की चीज़ों पर कंट्रोल करके उसने पैसे सेव कर लिए थे 60 पैसे. सी इज ऑल्सो सेल्फ रेस्पेक्टिंग एंड हैंस पे द फुल फेयर ऑफ द बस. वो आत्मसम्मानी लड़की भी थी और देखो उसने बस का पूरा किराया दिया. एंड रिफ्यूज टू गेट हेल्प फ्रॉम द बस कंडक्टर, और उसने मना कर दिया था कोई हेल्प लेने से बस कंडक्टर, जब उसे हेल्प देना चाहता था तो उसने मना कर दिया था लेने से. सी इज फास्ट फॉरवर्ड एंड क्लेवर, वो बहुत ही चतुर चालाक लड़की थी. सो सी ऑल्सो आर्ग्यूज विद द कंडक्टर ऑफ द बस, इसीलिए वो आर्ग्यू करती है जो बस का कंडक्टर होता है उसके साथ. सी ऑल्सो हैज सेंसेशन एंड गेट्स डिप्रेस्ड अपॉन सीइंग द डेड कार्ल एंड फॉरगेट्स हर हैप्पीनेस एंड बिकम्स कार्ल. वो जब उस आते हुए रास्ते में जब वो मरी हुई गाय देखती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में वो हो जाती है और अपनी सारी खुशियाँ भूल जाती है जो उसे खुशी होती थी बस में बैठने की, क्योंकि उसका सपना हमेशा यही रहा था बस में बैठने के लिए. वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर रही थी, है ना. लेकिन जब वो देखती है कि रास्ते में एक गाय मरी हुई है तो वो सारी हैप्पीनेस अपनी भूल जाती है. सी हैज़ करेज सो दैट 1 8-year-old गर्ल लेफ्ट द हाउस फॉर ट्रैवलिंग अलोन विदाउट टेलिंग हर मदर. वो इतना साहस रखती थी कि 8 साल की लड़की जो कि अपनी मदर को बिना बताए अकेले अपनी यात्रा पर निकल जाती है घर को छोड़कर, इतना साहस उस लड़की के अंदर था, वल्ली के अंदर. तो बच्चों देखिए कितना साहस इस 8 साल की लड़की के अंदर था, बस में बैठने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, है ना. और इसके लिए अपना डेली सेविंग भी की इसने.